जी तो बच्चों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑब्जेक्टिव पेपर लाहौर बोर्ड 2024 मॉर्निंग पेपर, द यूनिवर्सिटी इज इंटायरली फ्राइटनिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज इंटायरली, इंटायरली मीन्स कंप्लीटली फुली, आंसर इज श्योरली, कंप्लीट मुकम्मल तौर पे। नंबर टू, द राइटर पोक्ड द बॉल ऑफ मनी एट द क्लॉक। अब ये पोक्ड का मतलब होता है उसकी तरफ इशारा कर, उसकी तरफ जो ना यूं कह लें कि पुश किया उसने, उसकी तरफ उसने धकेल दिया उसको, राइटर ने पोक द बॉल, बॉल बनाई हुई थी उसकी तरफ से धकेल दिया, तो धकेलने के लिए यहाँ पे आंसर आएगा पुश्ड का। इसके पुल का मतलब खींचना होता है, पुश का मतलब दबाना होता है, जो जोर देकर जो ना किसी की तरफ धकेलने को कहते हैं। देयर वॉज अ फियरस, फियरस का मतलब खौफनाक, आंसर आएगा यहाँ पे सुवियर, अल्फा ऑप्शन। द स्टॉर्म दे फेस्ड वॉज लेस ड्रास्टिक, ड्रास्टिक का मतलब बेसिक, बुनियादी, प्राइमरी, तो इसके लिए होगा कि द स्टॉर्म दे फेस्ड वॉज लेस, जो उन्होंने स्टॉर्म फेस किया वो कम शदीद था, लेस ड्रास्टिक था, प्लेजेंट नहीं होगा, इंचांटिंग नहीं होगा, लेस सवियर, ये होगा चार्ली ऑप्शन। ठीक है, इंचांटिंग का मतलब होता है मसहूर कौन, दिलकश, जो आपके दिल को लगती हैं चीजें। दे वैक्यूट का मतलब खाली करना, खाली करने के लिए आंसर होगा एल्फा। और पास्चर प्रूव्ड दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अफेक्ट, स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक, जो खुद से खुद चीजें जो है क्रिएट होती हैं, इसका इरेगुलर नहीं होगा, इसका ऑटोमेटिक आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द नॉवल गुड बाय मिस्टर टिब्स। वर्ड है कंडोलेंसेज, इसका मतलब सिंपथीज होता है, हमदर्दी करने को कहते हैं, बीटा ऑप्शन होगा। डिस्पाइट असिजुअस टीचिंग, टिब्स वाज नॉट अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर। असिजुअस, यू और यूएस पे खत्म होने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे देखें आईवी भी एडजेक्टिव होता है, और मजे की बात है ईएनटी पे भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन सेम साउंड यू और यूएस, यू और यूएस, ओ यूएस वाली बात बेल्ट बीटा में आ रही है, जैसे इंडस्ट्रियस कहते हैं, हार्ड वर्किंग। इस तरह से लिनफर्ड हैड एन एक्सप्रेशन ऑफ एंग्शियस टिमिडिटी, देखें लिनफर्ड ऑब्जेक्टिव में भी वर्ड आया और सब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था, ये कौन सा बच्चा था जो आखिर में मिला, लुक एट दिस, के आप जो है ना वो अगर तैयारी की हो तो कितना आसान पेपर था। तो लिनफर्ड हैड एन एक्सप्रेशन ऑफ एंग्शियस टिमिडिटी, टिमिडिटी का मतलब जो है ना वो शायनेस को कहते हैं, तो बैशफुलनेस भी डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 9, 10 हो गया वो एक्सप्रेशन। द आइडिया ऑफ जेनरोसिटी वर बिकमिंग इन अ फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब होता है फ्रेंजी, पागलपन, मैड, चार्ली ऑप्शन होगा। ऑनेस्टी इज द श्योरेस्ट वे टू सक्सेस, इसका आंसर होगा प्रेपोजिशन टू लगेगा। जहांगीर फेल विक्टिम टू स्मोकिंग होता है, टू कहाँ लगा हुआ है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। हिज फादर डील्स इन शुगर भी होता है और डील्स विद भी होता है, इनका मतलब कारोबार करना होता है, विद का मतलब एसोसिएट या उसके साथ थोड़ा सा ताल्लुक होने को कहते हैं, तो इन ज्यादा जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे। डच इज लॉन्ग फॉर, फॉर का मतलब होता है ख्वाहिश करना, तो फॉर वाला ऑप्शन कहाँ पे है, चार्ली में इसका आंसर है। और डील्स इन यहाँ पे बीटा में प्रॉब्लम, बीटा क्वेश्चन। और इसके बाद जहाँ जॉन हैज एपेटाइट फॉर नॉलेज, उसके नॉलेज के लिए उसके उसको भूख लगती है, मतलब ये है कि जो है जॉन जो है वो नॉलेज के लिए बेचैन रहता है, सीखने के लिए तैयार रहता है, तो जॉन एल्फ ऑप्शन होगा। हाँ जी, ये बेटा करेक्शन देखें, वो ही पिछले 5-6 सालों की सेम सेंटेंस, वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल होना चाहिए, शेल नहीं आता, शुड कहाँ लगा हुआ है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। ही सॉ टू डियर्स नहीं होता, ही सॉ टू डियर इन द जू होगा, टू डियर, टू डियर कहाँ लिखा हुआ है, टू डियर्स यहाँ बीटा, ही सॉ टू डियर इन द जू, बीटा ठीक होगा। ही इज एन एम ए इन उर्दू होगा, कहाँ लिखा हुआ है एन एम ए, यहाँ लिखा हुआ है अल्फा में। देखें अगर आपको सन्नेस का पता है तो ऑप्शन ऑफ फौरी तौर पर तलाश कर लेते हैं। ही डाइड टू, जब डाइड पास्ट टेंस हो तो बिफोर नहीं आता, अगो आता है, तो देखें कहाँ अगो लिखा हुआ है, बीटा में आंसर है, ही डाइड 2 years ago। He is more wisest than I am के साथ होना चाहिए, तो then I या am डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक हो गरी, चलें जल्दी जल्दी से अब सब्जेक्टिव के ऊपर पे नजर डाल लें कि सब्जेक्टिव में क्या हुआ। What is necessity for life to exist, जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए क्या चीज जरूरी है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स में यहाँ पे ये लेसन से है। हाउ डिड द वुमेन पास्ट रिजर्व फूड, जो है जो वुमेन है, हाउ डिड द वुमेन ऑफ पास्ट रिजर्व, खवातीन जो थी वो खाने को कैसे रिजर्व किया करती थी, पिकल लगाती थी, ड्राई करती थी वगैरह। इफ स्टूडेंट फील सिक, अगर स्टूडेंट फील सिक है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ज्यादा उसको जारी बात है ट्रीट करना चाहिए, उसको स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक विद योर पर्सनल ओल्ड बुक्स, मतलब कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए, वाई बॉयज फेयर इन कॉलेज से। व्हाट डू यू डू विद योर पर्सनल ओल्ड बुक्स, अपनी आप पर्सनल ओल्ड बुक्स से क्या करते हैं,
आप उनको भेज देते हैं या फौजियों को भेज देते हैं? मतलब ये बड़ा एक एनालिटिकल क्वेश्चन आया, इसका डायरेक्ट आंसर बुक मौजूद नहीं है। राइट नोट ऑन मॉडर्न चाइना, मॉडर्न चाइना के ऊपर नोट लिखी है, यकीन जाने ये भी एक एनालिटिकल और मतलब इवेल्युएशन वाला क्वेश्चन है, और ये भी बुक में नहीं है। मॉडर्न चाइना का तो कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं दिया, वो तो 100 साल पुरानी बातें लिखी हुई। हाउ डिड द राइटर नो दैट ही वाज सिक? राइटर कैसे पता चला कि वो सिक है? उसने जारी बात है, लीफलेट पढ़ा था, उससे पता चला उसको। और विच वॉज द हैप्पीएस्ट नाइट ऑफ द वीक फॉर द राइटर इन द स्कूल? स्कूल डेज के अंदर राइटर के लिए सबसे हैप्पीएस्ट नाइट कौन सी थी? फ्राइडे नाइट होती है। व्हाई डिड द मैनेजर थिंक? अब देखें, याद रखें ये डिड वाले क्वेश्चन और थिंक, ये इसको आपने पास सिंपल लिखने लिखना था। द मैनेजर थॉट दैट द राइटर वाज डिटेक्टिव। क्यों? व्हाई डिड? क्यों? इसकी उसके मिस्टीरियस इंसिडेंट्स की वजह से, मिस्टीरियस मैनर की वजह से। हाउ मेनी बर्बर्स वर रिक्रूटेड बाय अब्दुल रहमान? बर्बर्स ये कबाइल थे, कितने? 40,000 बर्बर्स उसने जो है वो रिक्रूट किए थे अपनी आर्मी के लिए। चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एज हेरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक। वॉट इज द गेन और लॉस उसके लिए? क्या गेन लॉस हुआ उसकी इंग्लिश सीख ली, और यही वजह था कि वो मुल्क का वजीर आजम भी बना। वाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन? क्यों ने अच्छा नहीं किया? क्योंकि उसको चीजें आती नहीं थी। वाई डिड हिज फॉस्टर मदर थ्रेटन टू सेंड हिम टू टिम्बकटू? जब भी, वेन एवर ही वॉज नॉटी, जब भी शरारत करता था उसको टिम्बकटू का उसको धमकी देती थी। हाउ डिड द मैनेज टू गेट अ सीट इन द वेपन्स कैरियर? कैसे उसने कारी परमिट दिखाया था जिसके बैग में कैंसर लिखा हुआ था? बिल्कुल ईजी आंसर है। हाउ डिड फ्लेमिंग डिस्कवर पेंसिलिन? कैसे उसने पेंसिलिन डिस्कवर की थी? वो उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी, काम कोई और कर रहा था, चीजें कुछ और को मिल गई। और हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन? और डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्टर? और व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ टर्किश गवर्नमेंट टुवर्ड्स एलाइज आफ्टर वर्ल्ड वॉर? ये कौन सी गवर्नमेंट है? टर्किश गवर्नमेंट। टर्किश गवर्नमेंट जो है एलाइज के साथ इत्तेहाद करना चाहती थी। ओके, बाकी ये क्वेश्चन आप देख लें, कैथरीन ब्रिजेस के कौन कौन से, मिस्टर चिप से क्वेश्चन कौन सा है। बस क्वाइट सिंपल, आसान क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं है। गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड का इंट्रोडक्शन देना था आपने। व्हाई वाज कैथरीन ग्लैड ऑन मैरिज विद चिप्स? चिप्स के साथ शादी में करने में किन बातों पे वो खुश थी? इसलिए कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो फील करता था वैसे ही बता देता था। हाउ मच डिड कैथरीन चेंज मिस्टर चिप्स? कितना चेंज किया उसने? ऑल टुगेदर चेंज कर दिया था उसको। हाउ डिड कैथरीन परसुएड चिप्स टू फॉरगिव द बॉयज? वो कैसे उसको कहा कि भाई इसको माफ कर दो? वो कहती थी कि तुम जो है ना इसको ओवरऑल देखो, ये बच्चा बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह बातें कर सकते। व्हेन एंड व्हाई मिस्टर चिप्स रिटायर्ड आफ्टर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम कब रिटायर हुआ था? 1913 में रिटायर हुआ था ब्रोंकाइटिस की वजह से। व्हाट हैपेंड टू चे कैट चैटरीज इन 1916 ड्यूरिंग द वॉर? तो वो उसको डायबिटीज थी तो फौत हो गया था। और व्हेन डिड चिप्स एड इज रजिस्ट्रेशन गो टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? कब उसकी, व्हेन डिड चिप्स सेंड, चिप्स ने कब रेजिग्नेशन भेजी? देखें सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए। और व्हेन डिड चिप्स मेक द विल? उसने कौन कब उसने विल बनाई थी, उस विल में क्या लिखा था? ये भी उसने ऑलमोस्ट उसने अपनी वसीयत बनाई थी, वसीयत लिखी थी, और वसीयत के मुताबिक वो जो पैसे हैं वो उसने ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप जो है बनाया था। हु सेड गुड? ये किसने कहा था? लिनफर्ड ने कहा था उसको, और लास्ट टाइम कहा था कि गुड बाय मिस्टर चैप्स। ठीक है जी, माय हॉबी पे ऐसे लिखना था आपने, फैक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोक के लिखने थे। अनएम्प्लॉयमेंट पे प्लायर, प्लायर ऑफ कॉलेज लाइफ, बहुत सिंपल ऐसे ही हैं, और आपने इसको 5 पैराग्राफ बनाने थे, वगैरह वगैरह वगैरह, क्वाइट सिंपल। टू बरी दहशत का मतलब दुश्मनी भुला देने को कहते हैं। रेड टेप का मतलब होता है दफ्तरी, कोई दफ्तर काम करें और ताखीर का निशाना बन जाए, उसको रेड टेप कहते हैं। टू थिंग इट मुश्किल हालात के अंदर कहते हैं, हर तरह के मुश्किल और आसान हालात में से रेड रेड टेप खुशी के दिन को कहते हैं। वाइल्ड गोस एक ऐसे काम की तरफ जाना जिसका कोई मकसद आपको या हासिल या मंजिल आपके सामने नजर ना आ रही हो। पुटअवे का मतलब बर्दाश्त करना होता है। कैरी आउट का मतलब तकमील करना होता है। टेक ऑफ का मतलब टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारने वगैरह। ट्रांसलेशन थोड़ी सी मुश्किल टेक्निकल थी, लेकिन तालीम के दो बुनियादी मकसद हैं। देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। फॉर द फर्स्ट, जो एजुकेशन है वो क्या करती है, निजात दिलाई, यहाँ पे फोकस करना, रिमूव्स रिमूव्स करती है, गेट रिड ऑफ, ये प्रेजेंट टेंस में आना था, तो द एजुकेशन गेट्स रिड ऑफ, द एजुकेशन रिमूव्स। और सेकेंड, तालीम एजुकेशन तरफ फ्रॉम करती है, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करती है, नौजवानों को प्रोफेशनल एजुकेशन जो है ना वो देती है, बाजत कमाने काबिल बनाती है, इनेबल्स देम टू अर्न देयर लाइफ विद रिस्पेक्ट। और ये तालीम जरूरी है, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान, और कर सकते हैं, दे कैन यूज। तो इसके ऊपर अगर आप यूज करते हो इंशाल्लाह आप इजीली नंबर आ सकते हैं। लेकिन बताइएगा कैसा आपने पेपर किया, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हुई? और जारी बात है, सेकंड जो इवनिंग का जो पेपर है उसमें आपको ये देखकर हेल्प जरूर होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और बस खुश रहना ही जिंदगी का मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा मकसद होता है।